अलीगढ़ की विधानसभा इगलास के कस्बे में उपचुनाव अधिकारी इगलास भावना विमल ने आबकारी टीम के साथ मिलकर कस्बे और देहात क्षेत्रों में शराब के ठेकों पर गहन जांच पड़ताल की। शराब के ठेकों पर नकली शराब व मानक संबंधी कार्यों को देखते हुए उपचुनाव अधिकारी लगातार अलर्ट नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने शराब ठेका संचालकों को कड़ी हिदायत दी। उपचुनाव अधिकारी ने कहा कि स्टॉक शराब के रैपर, एक्सपायरी डेट की शराब सहित के बाहर गलत तरीके से शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं करेगा उस ठेका संचालकों के खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और उनके इस अल्टीमेटम को लेकर शराब ठेके संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर शराब के ठेकों के बाहर शराब का सेवन करने वाले आवारा तत्वों के खिलाफ भी उपचुनाव अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जा रहा है शराब की दुकानों का, शराब और बियर की दुकानों का। उन पे विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको चेक कर रहे हैं, जैसे स्टॉक रजिस्टर हुआ, सीसीटीवी हुआ, लाइसेंस हुआ एवं अन्य चीज़ों को लेकर, ओवर रेटिंग वगैरह, कोई जो है मिलावट तो नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उनको आगाह भी किया जा रहा है। अगर कोई अनियमितता मिल रही है तो उन पे जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। मैम, जैसे बाहर शराब पीने वालों के लिए किस तरह की हिदायत वगैरह दी गई है? उसमें यही है कि सारी अपनी कानून व्यवस्था को देखते हुए कोई भी सार्वजनिक जगह पर जो है शराब ना पिलाए। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है या कोई पीता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई की जाए।